फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फिर से आइए, 5G ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज मैं जा रहा हूँ अपने आराध्या चित्रकला इंस्टीट्यूट, और चलिए आप सभी को दिखाते हैं अपना आराध्या चित्रकला। और तो गाइस, मेरे फ्रेंड्स भी हैं रास्ते में और कुछ कमेंट कर रहे थे, तो चलिए आज अपना इंस्टीट्यूट दिखाते हैं और वहाँ पर कलाकार कैसे कलाकारी करते हैं वो भी आप सभी को दिखाएंगे। तो आप सभी मेरे वीडियो में बने रहिए और देखिए। फ्रेंड्स, हम लोग विद्या भवन स्कूल जो है उसके पास पहुंच चुके हुए हैं, और यह महिला स्कूल है, और यहाँ पे टेम्पल स्टैंड है, आप लोग देख रहे हैं वीडियो में। तो गाइस, हम लोग बहुत जल्द ही पहुंचने वाले हैं, आप सभी मेरे वीडियो में बने रहिए। काफ़ी जाम लगा हुआ है। देखिए, ये गोपालगंज मोड़ है और यहाँ का कुछ नज़ारा इस प्रकार से है, और यह ग्लोमर दिख रहा है आप सभी को, और इसी तरह बगल में पार्क है। चलिए, आप चल के अपना इंस्टीट्यूट दिखाते हैं, क्योंकि काफ़ी जाम लगा हुआ है और इधर वीडियो बनाना थोड़ा सा मुश्किल है। दोस्तों, हम लोग अपना इंस्टीट्यूट के पास पहुँच चुके हुए हैं, और यह देखिए ऐसे कंप्यूटर है, और इसके जस्ट नीचे गली एक है, उसी के नीचे है। और देखिए, दीवार पे हुआ चित्रकारी और इस पर लिखा हुआ आराध्या चित्रकला। तो चलिए, सबसे पहले काम करते हैं कि अपना बसंती जो है सिटी बाइक जिसको बोलते हैं, और इसको लगा देते हैं, स्टैंड कर देते हैं, और पार्किंग करके फिर चलते हैं अपना इंस्टीट्यूट में। फ्रेंड्स, मैं अपना सिटी बाइक जो पसंद है उसको लगा दिया है, चलिए अब चलते हैं अपने इंस्टीट्यूट में और देखिए। तो चलिए दोस्तों, अब चलते हैं अपने इंस्टीट्यूट में और देखिए ये दीवार पे कितना अच्छा चित्रकारी हुआ है। और चलिए, आप सभी को लेकर चलते हैं अंदर की तरफ और अंदर का नज़ारा दिखाएंगे, और देखिए ये फ्लेक्स लगा हुआ है बाहर में। तो चलिए फिर अंदर चलते हैं, और ये देखिए कुछ दीवार पे चित्रकारी हुई है बुद्ध जी का और गणेश जी का, और सभी लोग अंदर अपना काम कर रहे हैं। तो चलिए चल के देखते हैं, देखिए कुछ इस प्रकार से अंदर का नज़ारा है और सभी लोग अपना चित्रकारियाँ कर रहे हैं। देखिए दोस्तों, सभी लोग अपना काम कर रहे हैं, और आप सभी को यह इंस्टीट्यूट का नज़ारा कैसा लग रहा है ज़रूर कमेंट करके बताइए। और चलिए अब दिखाते हैं कलाकार का कलाकारी, देखिए सभी लोग अपना चित्रकारी कैसे कर रहे हैं, और सभी लोग अपने काम में मगन हैं और बहुत ही सिंसियर रूप से काम करते हैं अपना। और ये देखिए अपना पोर्ट्रेट वर्क कर रही हैं, जो कि बहुत ही अद्भुत है। यहाँ पे सभी लोग जितना भी है सभी लोग जीनियस हैं, और ये देखिए पैर का डिजाइन कर रही है मेहंदी से। तो सभी लोग अलग अलग अपना डिजाइन्स करते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप सिवान से हैं तो आप एक बार जरूर आइए आराध्या चित्रकला में। आप सभी को बता दें कि आराध्या चित्रकला जो है सिवान के जेपी चौक जो है उसके जस्ट बगल में रजिस्ट्री कचहरी है, और उसके बगल में एक मस्जिद पड़ता है, और मस्जिद के जस्ट बगल में ही आराध्या चित्रकला है। तो एक बार आप आइए और आकर घूमिए, देखिए, आप सभी को भी अच्छा लगेगा। क्योंकि ये जो कलाकारी है ये गॉड गिफ्टेड होता है, ये हर किसी को आता नहीं है, तो इसलिए इसका रिस्पेक्ट करना चाहिए। अब चलिए और अपना इंस्टीट्यूट का कुछ पेंटिंग्स दिखाएंगे। और ये देखिए फोटो दिख रहा है, ये हमारे गुरुजी हैं जिनका नाम रजनीश कुमार मौर्य है, और यह सोनू सूद सर से मिल चुके हुए हैं, और ये उनके घर पर गए थे अजमेर भाई और सर और उनके भाई, और उनका लाइव पेंटिंग वहीं पे बनाए लो, तो वहीं का ये फोटो सेशन है। और ये देखिए हमारे देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और उनकी बीवी
श्री रजवंशी देवी। तो चलिए फ्रेंड्स, ये देखिए कुछ इस प्रकार से पॉट रखा हुआ है, और भी बहुत सारे दिखाने वाले हैं। आप लोग वीडियो बने रही है, और आप सभी को यहाँ का जो कलाकारी है आप सभी कैसा लग रहा है जरूर बताइए। और ये देखिए हमारे गुरुजी रजनीश सर को सम्मानित किया गया है इस मेडल से, और देखिए हमारे सर नीतीश कुमार सर से मिल चुके हुए हैं, और यह उनके हाथ में देख रहे हैं, यह हमारे सर के द्वारा लिखा हुआ बुक है। और ये देखिए बहुत ही अद्भुत कलाकारियाँ हुई है यहाँ पे। और यह जो आप लोग चित्रकारी देख रहे हैं, यह हमारे गुरुजी रनीश सर के द्वारा बनाया गया है। तो फ्रेंड्स, आप सभी को कैसा लग रहा है ज़रूर मुझे कमेंट करके बताइए, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि और भी सारे लोग देख सकें इस वीडियो को, और आराध्य चित्रकला के बारे में जान सके कि ये एक ऐसा संस्था भी है सिवान में जो कि बहुत ही अद्भुत और अनोखा है। यहाँ पे सभी लोगों को मौका मिलना चाहिए सीखने का। कितना लोग है कि जिसको चित्रकारी के बारे में कुछ ज्ञान नहीं होता है, जानकारी नहीं होता है कि इसका भी क्लास होता है कहीं पे, तो आप लोग प्लीज़ इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि और भी लोगों को जानकारी हो सके। और ये देखिए कुछ न्यूज़ में निकला हुआ है हम लोग का इंस्टीट्यूट का, जो कि आप लोग देख रहे हैं। इस इंस्टीट्यूट का अखबार में बहुत सारे न्यूज आते ही रहते हैं, जिसका कलेक्शन करके लगाना बहुत ही मुश्किल होता है। कुछ कलेक्शन लगाया गया है, अगर कलेक्शन लगाया जाए तो पूरा इंस्टीट्यूट भर जाएगा। हेलो फ्रेंड्स, तो आप सभी को मेरा इंस्टीट्यूट घूमकर कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताइए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ताकि और भी सारे ऐसे वीडियो मैं इसमें डालने वाला हूँ, तो उसके लिए आप लोग सब्सक्राइब कीजिए। और आप सभी बोलिए, चलिए सभी लोग हाय कीजिए वीडियो में। हेलो, हाय आप लोग जी। हेलो, ठीक है दोस्तों, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।